मिर्जापुर जनपद के सिटी ब्लॉक के जयापुर गांव में 2 वर्ष से आशा अनुपस्थित होने के कारण शीला देवी सहित 1100 लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये बात हमारे गांव में आशा नहीं है, जो आशा होती गर्भवती औरतों को लिया के जाती अस्पताल तब हो नहीं, तो बताओ हम लोग कितना दिक्कत भाई, हम लोग के लिए कैसे कैसे जाब कैसे आऊ, घरे मनई है नहीं है के ले गए, फिर रास्ते में कोनो बात हो, दूसरे गांव को रही उन्हें बुलावा तो नहीं आई, तो बताओ हम लोग देखे नहीं है, एम्बुलेंस का हाल ही नहीं जानत है, तो कैसे जाई हम लोग गरीब मनई है, तो अब यहाँ कितना डॉक्टरी की जाई, तो पैसा इतना कहाँ पाऊ दे बदे। जयापुर ऐसा गांव है, आशा थी मगर इस समय नहीं है, कहीं बाहर चली गई है। कितने वर्ष से? अरे 1.5 साल हो गया। आशा न रहने से मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि समय से गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, उनको टीके भी कायदे से नहीं लग पा रहे हैं, बच्चे को टीका नहीं लग पा रहा है ठीक से। मैं अपने दूसरी आशाओं को लेकर वहाँ मैं कार्य करवाती हूँ। हर गांव में आशा है, लेकिन ये जयपुर में नहीं है आशा। दिक्कत यही हो रही है गर्भवती महिला के लिए, ले जाने आने में दिक्कत हो रही है, टीकाकरण के लिए दिक्कत हो रही है, आते ही गांव से आशा आती है। आपने कहीं प्रयास किया? प्रयास तो बहुत किया, लेकिन कह रहे हैं कि क्या बोलते हो, जब नियुक्ति होने लगेगी तभी होंगी। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप लोग मिर्जापुर जनपद के सिटी ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मोबाइल नंबर है 94-15-35-33-14 पर कॉल करके दबाव बनाए, ताकि यहां पे आशा की नियुक्ति हो सके। मैं अनीता भारती, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, नरसिंह।